तो फोटोशॉप पे मास्किंग देख रहे थे, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले अपनी न्यू फाइल ले रहे हैं 1280x720 जो रेजोल्यूशन हमने लिया हुआ है वहाँ पे कितना लिया हुआ है 300। स्टार्टिंग टाइम में भी हम बता रहे हैं कि आर्टबोर्ड को हमने क्या कर रखा है, ऑफ कर रखा है, आगे इसका ठीक ठाक यूज़ रहेगा, फिलहाल अभी ऑफ करके काम कर रहे हैं, है ना, क्रिएट कर रहे हैं। मान लो एक हमने यहाँ पे एलिप्स शेप लिया, ठीक, और कोई भी कलर इस पर फिल कर देते हैं। कलर फिल करने के लिए हम यहाँ पे इसका फॉरग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं और कंट्रोल डी करके न्यू लेयर पे हमने कलर क्या कर दिया अपना फिल कर दिया, ठीक। तो एक शेप बनाया, इसमें हमने अपनी कलर फिलिंग दे दी, ठीक। और मान लो यहाँ पे हमने ये कैमरे की इमेज क्या की, हम चाह रहे हैं कि कैमरा पोर्शन हमारा कहाँ पे आ जाए, उस इमेज या उस शेप के अंदर चला जाए। तो नॉर्मल मास्किंग हम लोग ने पहले भी देखी हुई, ठीक। यहाँ पे मास्किंग का दूसरा मेथड देख रहे हैं, क्या इजी है भाई, सिंपल। लेयर को पहले यहाँ पे हमने क्या किया, अपने रास्टराइज लेयर किया। मास्किंग देखने के लिए कहाँ पे जा रहे हैं, हमने बताया था लेयर में आना है, लेयर मास्क में जाना है और इसे क्या कर देना है, रिवेल ऑल, ठीक। कुछ इस टाइप की हम लोगों ने मास्किंग देखी थी, जिसे हम लोगों ने बाद में किससे कंट्रोल किया था, ब्रशेस, है ना, कंट्रोल जेड। यहाँ पे हमारी मास्किंग में क्या रिक्वायरमेंट है कि वो इस शेप के अंदर क्या हो, क्लिप हो जाए, यानी इमेज हमारी इस शेप के ही अंदर प्रॉपर क्या हो, विजिबल, ठीक। तो इस टाइप के बिहेवियर के लिए हमें कुछ नहीं करना, लेयर सेलेक्ट करना है, कहाँ पे जाना है, फिर से लेयर पे आना है और एक ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, यानी इससे भी हमारी इमेज की मास्किंग होगी लेकिन उस शेप के साथ होगी जो इसके नीचे लेयर पे, ठीक। तो जैसे क्लिक करेंगे वो इमेज हमारी देखो उस शेप के साथ क्या हो गई, क्लिप मास्क, यानी वो इमेज उतनी दिखेगी जितनी हमें वो शेप नजर आ रहा है। ये इलस्ट्रेटर में भी हम लोग क्लिपिंग मास्क पढ़ चुके हैं, वही सेम बिहेवियर यहाँ पे हमें फोटोशॉप में इस फॉर्म में मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे देखो जब क्लिप मास्क लगेगा तो एक यहाँ पे स्टेप का एरो नजर आ रहा है जो डिफाइन करेगा कि इस शेप के साथ हमने इसका क्या यूज किया, क्लिप मास्क, है ना। यहाँ पे हम फिर से हटा दे रहे हैं। एक तरीका है कि डायरेक्टली हम लेयर को सेलेक्ट करें, कहाँ पे जाएं, लेयर पे जाएं और लेयर मास्क, सॉरी यहाँ पे क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन दे रखा है, शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट कंट्रोल जी, थोड़ा सा लंबा शॉर्टकट है ना। तो इजी करने के लिए क्या यूज करेंगे, बस माउस को इन दो लेयर्स के मिड पे लाना है, ऑल्ट प्रेस कर लेना है। तो जब ऑल्ट प्रेस करेंगे तो देखो आइकन चेंज होगा मिड पे, जब हम माउस को लाएंगे क्लिक करेंगे वो क्लिप मास्क लगा देंगे। तो जल्द फास्ट वे क्या रहेगा इसको अप्लाई करने का, सिंपली बस हमें यहाँ पे कोई भी अभी इमेज हो, मान लो मैली इमेज ले रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, हमने ले लिया, अभी ये क्लिप मास्क नहीं, हमें उसी शेप के साथ क्लिप मास्क करना है, ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे वो इमेज भी देखो हमारी क्या हो गई, क्लिप मास्क। तो दोनों ही इमेज को हमने क्लिप मास्क किया, आधी ये दिख रही है, आधी ये दिख रही है, डिपेंड्स। अब यहाँ पे ये दोनों मिक्स होती हुई दिख जाए तो इन पे हम लोग नॉर्मल अब क्या लगा देंगे, लेयर मास्क लगा देंगे, कि हमने ये टॉप पे इमेज रखी हुई है, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मिक्स हो जाए ये, ठीक। तो उस सिचुएशन के लिए हमने ये लेयर लिया, यहाँ पे डायरेक्टली क्या लगाया, लेयर मास्क लगा, ब्रश टूल हमने बताया था लेना है, कलर कैसा कर दिया ब्लैक, साइज हमने छोटा किया अपने ब्रश का, ओपेसिटी फ्लो जितना हमें रखना था हमने सेट किया और हम यहाँ पे देखो उसको मिक्स करा लेंगे। तो शेप के साथ जो बिहेवियर हुआ उसे क्लिपिंग मास्क बोला, और कलर ग्रेडियंट के साथ जो हम बिहेवियर चेंज कर रहे हैं यहाँ पे हम उसको लेयर मास्क बोलते हैं। तीनों का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रॉपर वे में देख पाओ। इसी मास्किंग को यूज में करते हुए एक पोस्टर डिजाइन करेंगे, और पोस्टर डिजाइन करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ल्ड कप आने वाला है तो उसी से रिलेटेड एक पोस्टर डिजाइन करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले रहे हैं, ठीक ठाक साइज का हमने यहाँ पे इंडिया का कलर बिहेवियर अभी नॉर्मल रहने देते हैं, जैसा रेड है इसमें दिख रहा है हमारा, है ना, अभी बाद में इसका कलर बिहेवियर हम लोग चेंज करेंगे, ठीक। और अब इसके साथ हम अपनी ग्राफिक्स के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, तो लेने के लिए हमारे पास अब कुछ ग्राफिक्स, तो यहाँ पे विराट कोहली का पहले लेते हैं। सबसे पहले हमें इस बैकग्राउंड से इसकी कटिंग करनी है ना, तो करने के लिए हम लोग ऑप्शन देख चुके हैं यहाँ पे कौन सा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, ड्रैग करके हमने लिया सिलेक्शन, यहाँ पे लगभग ठीक ठाक सिलेक्शन उसने यहाँ पे कैच किया हमारा, है ना, लगभग ठीक ठाक, कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम दिखी है, आर्ट के साथ कम करते हैं, ओके, आर्ट के साथ अभी भी नहीं ले रहा है, लासो टूल ले लेते हैं और इतना तो चाहिए, तो शिफ्ट के साथ सिलेक्शन बढ़ाया हमने यहाँ पे, शिफ्ट के साथ आर्ट के साथ इतना मैनुअल कर देते हैं, जो बाद में रिफाइन करेंगे भी यहाँ पे, और लगभग हर जगह परफेक्ट है, यहाँ पे मिस हो रहा है कुछ, शिफ्ट के साथ हमने फिर से क्या किया, ड्रैग किया, ध्यान देना हेयर्स थोड़ा सा एयर में है यहाँ, है ना, वो सिलेक्शन में हमारे भी नहीं आ रहे हैं, तो उनको भी हमें लेना भी नहीं है। इसको लेने के लिए भी देखो क्या सिचुएशन रहेगी, पहले जो ये सिलेक्शन बना ये परफेक्ट आए, तो उसके लिए हमने सिलेक्शन बनाया, कहाँ पे जा रहे हैं, सेलेक्ट एंड मास्क में जा रहे हैं, ठीक। इसको रिफाइन करने के लिए क्या कर दो, और यहाँ पे देखो पहले रफ सिलेक्शन है, स्मूथ कर देते हैं ताकि स्मूथ हो जाए, फेदर दिया, कंट्रास्ट दिया, यहाँ पे देखो हमने काफ़ी वैल्यूज चेंज करी है,
और हमारे अकॉर्डिंग बाकी का सब सिलेक्शन अच्छा आ गया, लेकिन यहाँ का ज़्यादा स्मूथ हो गया, जबकि वहाँ पे हमें हेयर्स की रफनेस वो लेनी थी। फिलहाल अभी हमने इसको क्या किया, ओके किया, खाली हेयर्स हमारे अभी भी काउंट नहीं हो रहे, तो वो अब हो जाए तो उसके लिए फिर से हम दोबारा क्या यूज़ कर रहे हैं, सेलेक्टेड मास्क। लेकिन जब हम सेलेक्ट मास्क में जाएंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारी रीसेट हो चुकी है। अब ये एक तरीके से नई वैल्यूज उस पर क्या हो रही है, हमारी अप्लाई हो रही है, ठीक। अब इसमें हमें अंदाजा नहीं लगेगा तो हमने इसको ऑन ब्लैक कर दिया ताकि हमें बाकी की हेयर्स पोर्शन देखे यहाँ, है ना। और इसका अपना खुद का एक टूल बार है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर का टूल यूज कर रहा है, कौन सा, रिफाइन ब्रश, दिख रहा है, ये नॉर्मल ब्रश टूल है, ये रिफाइन ब्रश टूल, जहाँ पे हमारे हेयर्स पोर्शन हैं बस उस एरिया के बॉर्डर पे हमें इसको क्या करना है, ड्रैग करना है, जहाँ पे भी वो हेयर्स का अरेंजमेंट हमें दिख रहा है, कर दिया, ठीक। और इसको सिंपली हम ओके करेंगे, तो यहाँ पे देखो कुछ रफनेस हमारी फेस पे आती हुई दिख रही है, है ना। इसने हेयर्स के इन पोर्शंस को लिया, हमें लग रहा है एक बार और किया जाए, तो यहाँ पे हम फिर से आ रहे हैं, ठीक ठाक जो भी पास के हेयर्स हैं, हम चाह रहे हैं कि सिलेक्शन उसका यहाँ पे कवर हो, उसमें इसको ओके किया रिफाइन ब्रश टूल से, है ना। अब नोज पे भी एरिया कुछ कवर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पहले इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, मास्क करेंगे, ताकि जहाँ पे भी ट्विनिंग हमें करनी हो हम उसको प्रॉपर वे में सेट कर पाएं। डायरेक्टली यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव ना करके डायरेक्टली हमने सिलेक्शन बनाया और क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेयर मास्क कर, ठीक। तो ध्यान से देखो यहाँ पे वो हल्के से हेयर्स हमारे क्या हो गए, कवर हो गए, जो पहले नहीं हो गए थे। अगर इसको रिफाइन करना तो भाई यहाँ पे ब्रश टूल लो, इसकी ओपेसिटी फ्लो फुल करो, साइज इसका क्या करो पूरी तरीके से कम, क्योंकि हमें नहीं चाहिए पूरी पीछे का बैकग्राउंड, और उसको बहुत ध्यान से क्लीन अप करो। ध्यान नहीं दिया, सिलेक्शन में था, है ना। बहुत आराम से हम यहाँ पे इसकी देखो क्या कर रहे हैं, ओपेसिटी और फ्लो सब हमने इतने टाइम इसका कितना रखा हुआ है, 100 रखा हुआ, ताकि पूरी तरीके से वहाँ से उस एरिया को क्या करे, क्लीन करे, मिक्स नहीं कराना है, क्लीन करना है वहाँ से, ठीक। तो हमारे अकॉर्डिंग हमें लगा कि सिलेक्शन सब परफेक्ट, जहाँ पे अदरवाइज रिफाइनिंग करना है देन आप आराम से ब्रशेज के थ्रू कर सकते हो, ठीक। क्या करना है, न्यू लेयर लेके कंट्रोल के साथ दोनों लेयर का हमने क्या लिया, सिलेक्शन लिया, कंट्रोल ही करके मर्ज किया ताकि पूरी तरीके से फ्री हो जाए। तो मास्किंग रिमूव पर ही हमने यहाँ से ड्रैग करके ले गए और हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया। स्केलिंग करनी है तो ध्यान रखना है कि राइट क्लिक करके हम सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करें, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और आर्ट के साथ हमने साइज अभी फिलहाल के लिए क्या रखा, कुछ इस फॉर्म में रखा, इंटरपुट कर रहे हैं अभी, कोई यहाँ पे एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, अपनी दूसरी इमेज को यूज़ करेंगे जो हमें चाहिए। फिलहाल हम यही यहाँ से क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक। रोहित शर्मा के ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक। फिर से वही सेम मेथड है, सिलेक्शन हमें ड्रैग करके कैरेक्टर का ले लेना। सही है, तो आपको बहुत डिटेल में बहुत आराम से पहले अपने सिलेक्शन को क्या करना है, रिफाइन करना है। जब सब ओके दिख रहा है, न्यू लेयर लेके कंट्रोल के साथ इन दोनों लेयर का हमने क्या लिया, सिलेक्शन, कंट्रोल ही करके मर्ज कर देते, ड्रैग करके इस इमेज को भी हमने इधर क्या किया, रख लिया। साइज में कोई भी वेरिएशन करने से पहले राइट क्लिक करके इसे किस में कन्वर्ट करें, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, ताकि इसके पिक्सेलेशन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और जैसा जहाँ पे चाहिए वैसा फिलहाल अभी रख रहे हैं। तो जो करेक्टर्स अभी हमें चाहिए वो हम बस यहाँ पे पुट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक दो करेक्टर और ले लेते हैं, आ रहा है, साइज में कोई भी वेरिएशन करने से पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्जन किया और नॉर्मल जो भी हम साइज रखना चाह रहे हैं, ठीक। इंटरपुट कर रहे हैं, कैसे देखो इनको अब रीअरेंज कर रहे हैं, पहले एक अरेंजमेंट, सारी कटिंग हमने यहाँ पे यूज कर ली है ना, आइज बंद करते जा रहे हैं। तो विराट कोहली से स्टार्ट कर रहे हैं, एक अच्छा पोज है, मेन करेक्टर मान के चल रहे हैं, पुट कर दिया हमने, ये पोजीशन हमें लगभग अच्छी लग रही है। थोड़ा सा इंडिया को चाहे और नीचे रखें ताकि एक स्पेस मिले ऊपर के लिए से, जब तक रिसाइजिंग कर रहे हैं ध्यान रखना है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में वो लेयर हमारी कन्वर्ट कर, सही है। अब राइट क्लिक करके हमने क्या किया, इसको रास्टराइज लेयर कर, ठीक। और अभी हमने बताया क्या, क्लिपिंग मास्क, तो आल्ट प्रेस किया और क्लिप मास्क किया, तो विराट कोहली का वो पूरा पोस्चर हमारा कहाँ पे चला गया, डी के अंदर आ गया, जितना भी उस टेक्स के साथ क्या कर रहा था, ओवरलैप कर रहा था, इतना क्लियर है, ठीक। फिर हमने क्या किया, कंट्रोल जे करके विराट कोहली की यहाँ पे फिर से लेयर की क्या निकाल दी, कॉपी निकाल दी, है ना, और इसको ड्रैग करके बिल्कुल ऊपर ले जा रहे, कोई दिक्कत इसमें अभी तक, है ना, वो फिर से पूरा फुल दिख रहा है। अब इसमें हम नॉर्मल लेयर मास्किंग यूज करेंगे, तो अगर हम नॉर्मल लेयर मास्किंग लगाते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे इस पे क्लिक करके एड लेयर मास्क पे लगा सकते हैं,
जिसमें हमारा जो मास्किंग पार्ट है वो शो होता रहे, विजिबल हो रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिवेल ऑल, है ना। तो कंट्रोल जेड हम चाहते हैं कि जो मास्किंग पार्ट है वो पहले से ही हमें हाइड दिखे। तो उस सिचुएशन के लिए यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक ना करके ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो कलर अपने आप इसका कैसा हो गया, देखो मास्किंग का ब्लैक, इट मीन्स वो एरिया यहाँ पे क्या हो गया हमारा, हाइड हो गया। ठीक, तो इसे हम लोगों ने एक तरीके से हाइड ऑल कर दिया, है ना। क्या फायदा ऐसा करने से, अब फायदा ये कि हमने ब्रश ले लिया भाई। अब विराट कोहली का जब पोर्शन हमें यहाँ पे टॉप पे रखना हम चाह रहे थे कि ऐसा लगे कि कैरेक्टर हमारा जो है यहाँ पे वो उससे निकलता हुआ भी दिखे और उसमें भी दिखे। अब वैसा फील आ रहा है कि वो टेक्स्ट के अंदर भी है और बाहर भी। अब क्या हैंड दिखाना है, चलो दिखा देते हैं, अच्छा लगेगा हमको, लग रहा है परफेक्ट है। ठीक, तो थोड़ा सा 3D पॉपअप टाइप में आता हुआ दिखेगा कैरेक्टर, है ना। तो एक कैरेक्टर तो सेट हुआ हमारा इसके अंदर अभी फिलहाल। ठीक, दूसरा देखते हैं यहाँ पे साइज। अभी इसको हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर रखा है, साइज में और वेरिएशन कर रहे हैं और बैट और विराट के साइज के ऊपर लगभग इंटर कर थोड़ा सा इधर किया है ना, लगभग यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी भी रास्टराइज क्लियर करके कॉपी निकाल दें। आर्ट के साथ हम इसको भी क्या कर दें, क्लिप मास्क कर दें। कंट्रोल जे करके एक एक्स्ट्रा कॉपी ड्रैग करके विराट कोहली की कॉपी के नीचे रख दें इसको। ठीक, और आर्ट के साथ हमने फिर से यहाँ पे इसको हाई डाल दिया। फिर से इस अपने पैनल पे आ रहे हैं, ब्रश टूल ले रहे हैं और यहाँ पे फिर से हम इसको जो है इस एरिया से बाहर निकाल रहे हैं। आ रहा है ठीक, तो स्टेप्स हमने एक प्रॉपर क्या करी, मास्क, लगभग वो सारे करेक्टर हमारे इसमें क्या हो चुके हैं, मास्क, है ना। कहाँ पे आ रहे हैं अपने, इंडिया ऑप्शन पे आ रहे हैं जिस पर हमने टेक्स्ट दे रहे है ना। और इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं, यहाँ पे हमें कलर से रिलेटेड क्या मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं। सेम ऑप्शन हमें लेयर पैनल पे भी मिलते हैं, यहाँ पे हमें इसमें बाय डिफॉल्ट पहले से क्या मिल जाती है, मास्किंग मिल जाती है। क्लिक करेंगे तो वही देखो सेम ऑप्शन में यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लेयर पैनल में भी अवेलेबल हो रहा है। तो उसमें हमने क्या ले लिया, मान लो ग्रेडियंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक दे रखा हमारे पास कौन सा, ग्रेडियंट। इसको ग्रेडियंट में किस टाइप का ग्रेडियंट चाहिए, तो हम ब्लू टोन में बना रहे हैं जैसा इंडिया का रहता है। इसको ओके कर रहे हैं, शेड अच्छा लग रहा है, देखो यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से हम डायरेक्टली इसके एंगल में भी क्या कर सकते हैं, चेंज जो भी हमें चाहिए एंगल ये देते हैं, कुछ लाइट डार्क से थोड़ा सा लाइट होता आ रहा है। ठीक, इसको ऐसा हमने क्या किया, ओके किया। तो ग्रेडियंट जो अप्लाई हुआ है वो इंडिया के ऊपर अप्लाई हुआ है, उसमें भी देखो बाय डिफॉल्ट हमें क्या लगी हुई मिल रही है, क्लिप मास्क। तो इस टाइप से टेक्स्ट केवल उस ग्रेडियंट जो है केवल हमारे टेक्स्ट के पोर्शन के अंदर ही क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है ना। और एक कंटेंट हमने और पुट किया, यहाँ पुट कर रहे हैं, एक कंटेंट और ले रहे हैं। लिया इसमें हमने फिर से यहाँ से आके क्या यूज़ किया, ग्रेडियंट। ठीक, इसको ओके कर रहे हैं यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट जब देखो ऐसे ग्रेडियंट दिया तो वो हमारे टेक्स्ट के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, हमें आर्ट के साथ बस क्या कर देना है, क्लिप मास्क कर, तो वो इसी एरिया में हमारा क्या होगा, डिफाइन होगा। ग्रेडियंट पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपने इस पैटर्न को फिर से क्या कर सकते हैं, चेंज। तो यहाँ पे हमने कैसा लिया था, ब्लू टोन वाला लिया था यला, इसी में कलर बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखो सबके बैक साइड में एक इमेज यूज कर रहे हैं, और इसको एज अ बैकग्राउंड हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो जब बैकग्राउंड एज अ कवर किया तो चीजें थोड़ी सी हाइड होती हुई दिख रही है, इतनी विजिबल नहीं आ रही है ना। तो राइट क्लिक करके सबसे पहले हमने अपनी इस लेयर को क्या किया, रास्टराइज किया, जो भी हमें स्केल करके रखना है हमने पुट करा। ध्यान देना हमारा जो आर्टबोर्ड है या हमारा जो पेज है वो इतने एरिया का है और इतना पोर्शन इमेज का हमारा क्या निकल रहा है, एक्स्ट्रा निकल रहा है, मे बी और ज़्यादा हो सकता है, जिससे हमारी फाइल साइज़ क्या होगी, हैवी होगी। तो हमें लगा कि हमें इतनी ही रिक्वायरमेंट है ना। और हम फिल्टर में गए, हमने यहाँ पे क्या किया, पहले इसको ब्लर क्या दिया, गॉशियन ब्लर, ताकि इमेज हमारी यहाँ पे ठीक ठाक क्या दिखे, मैं ब्लर फॉर्म में दिखे। आ रहा है ठीक, हल्का सा हमने इसको थोड़ा सा ब्लरी किया है ना, फील आ रहा है कि हाँ पीछे कुछ है ऐसा। ठीक, फिर एक्स्ट्रा पोर्शन को रिमूव करने के लिए यहीं पे हमें क्या मिलेगा, क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा।
देखो कैसे यूज करना है, सबसे पहले इमेज हमारी या वो लेयर रास्टराइज होनी चाहिए। कहाँ पे जा रहे हैं, क्रॉप टूल पे जा रहे हैं, इंटरपुट करेंगे एक बार और इंटरपुट करेंगे, मूव टूल लेके देखेंगे तो वो एरिया देखो वहाँ जो इसका एक्स्ट्रा पोर्शन था वो सब क्या हो गया, वहाँ से क्रॉप हो गया। ठीक, तो एक्स्ट्रा फालतू का कुछ भी पार्ट हमें नहीं रखना है, लगभग यहाँ पे हमारा सेट है। अभी भी हमारा इंडिया छुपा हुआ है थोड़ा सा, ठीक, तो इंडिया थोड़ा सा विजिबल हो, तो उसके लिए हम अपने इंडिया के किस पे आ रहे हैं, टेक्स्ट पे आ रहे हैं, डबल क्लिक कर रहे हैं। हमने सबसे पहले इसमें क्या ऐड किया, ड्रॉप शैडो, साइज इंक्रीज कर रहे हैं, ड्रॉप शैडो लगभग बेटर दिख रही है, और एक वैल्यू हमने कौन सी यूज करी, स्टोर, हल्का सा वाइट अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा और साइज यहाँ पे क्या किया इंक्रीज, सही है। ठीक, पैटर्न हमें अच्छा लग रहा है टेक्स्ट का, इसमें देखो किसके जब हम इफेक्ट्स यूज करते हैं तो वो इफेक्ट्स के नाम से क्या होता है, डिफाइन होता है, और हमें यही सेम चीज किस पे चाहिए, 23 पे भी चाहिए। ठीक, तो क्या करेंगे, FX पे माउस को लाएंगे, Alt प्रेस करके FX को ड्रैग करके हमने 23 पे अप्लाई करना है, पोजीशन थोड़ी सी नीचे रखें, सेम इफेक्ट है, ड्रॉप शैडोज पे भी पड़ रही, वही सेम स्ट्रोक लेवल इस पे भी चला गया, क्रिकेट पे भी हमने यहाँ पे Alt के साथ ड्रैग करके इसको क्या किया, वर्ल्ड कप छोड़ दिया। अब यहाँ पे इसका देखो साइज हमें क्या दिख रहा है, बहुत हैवी दिख रहा है, क्योंकि वो फॉन्ट हमारा वहाँ साइज में क्या है, बहुत छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। डबल क्लिक करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, स्ट्रोक पैनल पे जाएंगे, और ये वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल शार्प कर देंगे। ठीक, तो लगभग सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं, है ना, एक पोस्टर लगभग बन के तैयार है। क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से लेके पूरा नीचे तक हमने शिफ्ट के साथ क्या बनाया इसका सिलेक्शन, कोई दिक्कत इसमें, कंट्रोल जी करेंगे तो पूरा पैनल हमारा ग्रुप हो गया, तो हमने पूरे अपने एडिटिंग का क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया, ताकि वो सारी लेयर्स हमारी इस ग्रुप फोल्डर के अंदर क्या शो हो। कंट्रोल जे करके हमने इस ग्रुप की क्या निकाल दी, पूरी कॉपी निकाल, अब दो ग्रुप बन गए, सब पूरा सारा हमारा कंटेंट उसी ग्रुप के अंदर दिख रहा है। कंट्रोल ई करके हमने इस ग्रुप को क्या कर दिया, पूरा मर्ज कर दिया, ठीक, और नीचे वाले को हमने हाइड कर दिया। अब ये एक सिंगल इमेज बन गई हमारी, अगर उसमें कुछ भी एडिटिंग करना है, अगर डायरेक्टली मर्ज करते तो हम कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि हमने उसका एक ग्रुप वन के नाम से उसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। तो अगर इन केस कुछ गड़बड़ होता है, हमें कुछ एडिट करना होता है, तो मेरे पास सारी हिस्ट्री अवेलेबल है, हम ऑन करके इसमें जाके चेंज करेंगे, ये इमेज वहां से फिलहाल के लिए डिलीट करेंगे। फिलहाल हमने इसकी यहाँ पे कॉपी निकाल दी, कंट्रोल जे फुट करके हमने फिर से एक एक्स्ट्रा कॉपी निकाली, सही है। ठीक, कहाँ पे जा रहे हैं, फिल्टर में जा रहे हैं। अभी तक हम लोग ने ब्लर देखा, गॉशियन ब्लर देखा, ब्लर का एक बहुत एडवांस वर्जन दे रखा है यहाँ पे इन्होंने, कौन सा, ब्लर गैलरी, इसमें कौन सा ले रहे हैं, फील्ड ब्लर ले रहे हैं, जो न्यू वर्जन आए फोटोशॉप के उसमें ये ऑप्शन अपडेट करके दिया गया, ग्राफिक कार्ड अच्छा होना जरूरी है इसके लिए, तो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ब्लर के अमाउंट को डायरेक्टली हम सेंटर से ही बढ़ा सकते हैं, बढ़ रहा है, कर दिया हमने ब्लर, क्या फायदा है उस ब्लर में, उस ब्लर में कि यहाँ पे हमें ब्लर के साथ बोक वैल्यू भी दे रखी है कलर की, तो यहाँ पे बोक अमाउंट अभी लाइट का क्या है, जीरो है, देखो हमने इंक्रीज किया तो देखो कुछ पॉइंट हमारे हाईलाइटेड होने स्टार्ट हो गए, कुछ जगहों से देखो हाईलाइटेड एरिया दिखने लगा, जो हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है अभी कैसा दिख रहा है, व्हाइट कलर में दिख रहा है, थोड़ा सा मल्टीपल कलर में दिखे, कुछ डिफरेंट कलर्स में दिखे, तो यहाँ पे वो कलर वैल्यू दे रखी है, इसको इंक्रीज करेंगे तो वो यहीं पे आसपास उनको वाइब्रेंट करेगा, थोड़ा सा और कलरफुल करने की कोशिश करेंगे, तो एक इफेक्ट बनाए। रेंज अगर हम बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, तो देखो और हमारे स्पॉट ले रहे हैं, और देखो वो कलर अगर हम कम कर रहे हैं तो कुछ कलर डाउन हो जा रहे हैं, है ना, तो वो कलर को और इंटेंस करेगा लगभग। यहाँ पे रेंज हमें जितनी चाहिए हमने पुट कर, हमें लगा सब परफेक्ट है, देन इसको हमने क्या किया, ओके, हमें लगा सब परफेक्ट है, हमने मास्क कर दिया, ब्रश टूल ले लिया, साइज हमने इस बार ब्रश का हैवी किया लगभग, ओपेसिटी और फ्लो हमने यहाँ पे इसका क्या किया, जो हमें विजिबल कराना है बस हम उस एरिया पे ही क्या करेंगे, सिटी और फ्लो और कम करेंगे ताकि बहुत हल्का हल्का ले आ रहा है, सब हमारा पूरा इंडिया फोकस में आता हुआ दिख रहा है, ठीक, विद करेक्टर्स के साथ आ रहा है। तो इस टाइप का एक पोस्टर डिजाइन करना है जिसमें हमने प्रॉपर क्या यूज़ करी भी, देखो मास्किंग किस तरीके से मास्किंग यूज़ कर रहे हैं ताकि वो 3D फील भी हमारा क्या हो उसमें शो।